बिहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी वाई झारखंड में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर आपके साथ कि झारखंड में जो यहाँ पर शिक्षा विभाग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि झारखंड में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जुड़े हुए रहिएगा जिसमें हम सारी बातों को बताएंगे कि यहाँ पर शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण किस प्रकार से किया जा रहा है, वो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, एक लंबे अरसे से यहाँ पर शिक्षक इंतजार कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं कि एक बार शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हो जाए। तो जिसके लिए यहाँ पर शिक्षा सचिव राजेश शर्मा जी तैयार हैं और शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली बन भी गई है। इस नियमावली में क्या कुछ कहा गया है, देखिए, अंतर जिला स्थानांतरण जो है पूरे सेवा काल में सिर्फ एक बार ही होगा। इसके पहले जब अमरेंद्र प्रताप सिंह आए हुए थे तो उन्होंने इस नियमावली को यहाँ पर समाप्त कर दिया था, लेकिन अब नए सिरे से नियमावली की डिमांड हो रही है और नए सिरे से आपकी बन गई है। तो अंतर जिला स्थानांतरण पूरे सेवा काल में सिर्फ एक बार ही शिक्षकों का हो सकेगा। यह किस प्रकार से होगा, तो इसमें आप देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो दोस्तों, जिनका भी अंतर जिला स्थानांतरण होगा उसके लिए ऑनलाइन आवेदन का यहाँ पर डिमांड किया जाएगा। समिति के अनुशंसा के आधार पर शिक्षा विभाग मंगलवार को स्थानांतरण तय करेगा। तो मंगलवार को आपका इसका जो है अंतिम रिपोर्ट दिया जाएगा। स्थानांतरण नीति में संशोधन के बाद राज्य भर में एक साथ सभी शिक्षकों का होगा तबादला। तो एक बार ही शिक्षकों का यहाँ पर समायोजन किया जाएगा, तबादला किया जाएगा। अलग अलग दिन अलग अलग जो यहाँ पर जिले हैं उसमें नहीं होंगे, एक ही साथ सभी जिलों में तबादले के लिए यहाँ पर लिस्ट निकाले जाएंगे। और क्या होगा, तो ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर होगा तबादला। तबादला के लिए पोर्टल बनाया जा रहा है, जो ट्रांसफर पोर्टल उसके माध्यम से तबादला होगा जो कि निःशुल्क होगा। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी के लिए चैनल